नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं, केपी चौधरी, समाज से भी हैं, बहुजन समाज की बातों को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर बोलते हैं और हर एक क्रांतिकारी काम के अंदर भी अपनी परवाह भी ना करते हुए हमेशा उस कार्य में कूद जाते हैं जो बहुजन समाज का होता है। सिर्फ आपका केपी चौधरी साहब, हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार, जय भीम नवोत्थान। 2018-19 में एक विषय बड़ा हाईलाइट हो रहा है, उसे बोलते हैं गोदी मीडिया। आज गोदी मीडिया बिल्कुल भी नहीं बहुजन समाज के लोगों की बातों को दिखाता है। वाल्मीकि रविदासी समाज का मंदिर को तोड़ा गया, उस पर कोई नहीं दिखा रहा है गोदी मीडिया। पंजाब के अंदर आज बंद है, 12 तारीख है आज, 13 का भी बंद रखा हुआ है उन्होंने। पूरा देश में आज क्रांतिकारी तरीके से लोग काम कर रहे हैं, रविदासी समाज के मंदिर को लेके हर एक जगह अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये जो गोदी मीडिया बोलते हैं, क्यों नहीं दिखा रहा है साहब उसके बारे में? देखिए, इस मीडिया के बारे में तो मेरा बहुत ही कटु अनुभव है। जब आरक्षण विरोधी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे 1997 में, उसके बाद में उसके भारत की सरकार ने फिर उनका DOPT ने उनको ऑर्डर्स को नोटिफाई किया, तो उसके बाद हम लोगों ने जो पहला आंदोलन किया दिसंबर 1997 में, तो हम पर 25,000 के आसपास लोगों ने इस दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया। एक लाइन हमारे समाज के इस आंदोलन के बारे में नहीं दिखाई गई। 98-99 इसे हम रिपीट करें तो संख्या लाखों में हो गई, लेकिन इस मीडिया ने एक भी लाइन हमारे बारे में नहीं लिखी, ना ही आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना ही आपका प्रेस मीडिया ने। जैसा भी आपने कहा कि हमारे समाज की जो समस्याएं हैं या हमारे समाज के सामने चुनौतियां हैं, उनको ये मीडिया किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिकता नहीं देता, और ऐसी स्थिति के अंदर नतीजा ये है कि हमारा जो सोशल मीडिया जो बना है, वही लोग अपने समाज की आवाज़ को जितना भी संभव होता है YouTube के माध्यम तक पहुंचाने में अपनी एक भरसक प्रयत्न कर रहा है। तो जो संत गुरु रविदास जी के मंदिर को तोड़ा गया या वहाँ पर उसको भारत सरकार ने एक्वायर किया उस ज़मीन को, और उसके बाद जो देश के अंदर आंदोलन पैदा हुआ, मैं ये कहूँगा कि लंदन में, वैंकूवर, कनाडा में, आपके यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ जहाँ भी संत गुरु रविदास जी के समर्थक फॉलोअर्स रह रहे हैं, सभी लोगों ने अपना प्रदर्शन करके इसका विरोध किया है। और पंजाब तो इसका बहुत ही जीता जागता उदाहरण है कि पंजाब में 2 दिन से आंदोलन वहाँ चल रहा है, आज पंजाब बंद है, और 19 तारीख को भी एक आंदोलन दिल्ली बंद के नाम से किया जा रहा है, और 21 को बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया जा रहा है। तो ये जो मानसिकता है इस मीडिया की, ये तो पूरे भारत का हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है, इसको बड़े लंबे समय तक समय से देखता आ रहा है कि इनकी मानसिकता अनुसूचित जाति जनजाति समाज के प्रति बिल्कुल उदासीन नहीं बल्कि नेगेटिव है, और ये कभी भी हमारे समाज से जुड़ी हुई खबरों को कोई प्राथमिकता देना तो बहुत दूर की बात है, ये सामान्यतया भी कोई खबर दिखाने का इनका सोच नहीं है। तो हम इस सोच की निंदा करते हैं और इस मीडिया से मांग करते हैं कि आपके टेलीविज़न नेटवर्क्स को, आपके अखबारों को अगर इस देश का 1/4 आबादी पढ़ना बंद कर दे और आपके टीवी चैनल्स को देखना बंद कर दे। मैं आज ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहता हूँ, तो श्रीमान जी आपकी TRP इतनी घट जाएगी कि आपके टीवी चैनल जो है उन चलने का उनके सामने क्वेश्चन पैदा हो जाएगा, आपकी अखबार जो है वो हो सकता है कि छपने ही बंद हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम आपके कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर होने के नाते देश की 1/4 आबादी इसको अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जाना जाता है, आपके टीवी चैनल्स का प्रोग्राम्स देख करके आपकी TRP बढ़ा करके आपको आपके इन चैनल्स को चलाने का काम कर रही है, तो आपका ये धर्म बन जाता है, आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप इस जो इस देश का अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है, जो देश का एक मूल निवासी वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, आप इसकी खबरों को चलाना आपकी जिम्मेदारी में आता है, जो आप नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आह्वान है एक बार पुनः इस मीडिया के लोगों से कि आप इस बहुजन समाज की आवाज़ को समझने की कोशिश करें, कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आंदोलन को फॉलो करते हुए एक दिन ये 85% समाज ये निर्णय ले ले कि आपके टीवी चैनल को उनको चलाना नहीं है, देखना नहीं है, आपके अखबारों को पढ़ना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक नई चुनौती आप सबके सम्मुख खड़ी होगी। मैं एक बार पुनः आह्वान करूंगा सभी समाचार पत्रों के मालिकों से, प्रकाशकों से, सभी टीवी चैनल्स के मालिकों से, उनके चीफ एडिटर से, कि आप इस भावना को जो मैं बोल रहा हूं, ये SC ST OBC समाज की भावना मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, एक व्यक्ति की बात नहीं रख रहा हूं, और अगर आप इस भावना को समझेंगे और इसका आदर करेंगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से एक अच्छे भारत का हम निर्माण करेंगे, और एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर के भारत को हम दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र, सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने का जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना, निश्चित रूप से हम सब मिलकर से साकार करेंगे।
आप थे हमारे साथ केपी चौधरी, जिन्होंने बताया कि आप जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं वो आपको निरंतर तेज करते रहना पड़ेगा, और गोदी मीडिया को जो है उसको भी अपना मुद्दों को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा देखने वाला समाज है वो है बहुजन समाज, और बहुजन समाज ने अगर एक बार गोदी मीडिया का साथ छोड़ा तो उनको अपनी TRP तक बचानी मुश्किल हो जाएगी। आपने इतनी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, जय भीम नौ बुद्धाय। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।